मेरा नाम हेमंत कुमार पटेल है। कौन से गांव से हैं? मैं ग्राम गढ़गांव तो ढलम। अच्छा, अभी 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है प्रशासन के स्तर पर? लोकसभा की तैयारियां जोरों पर हैं। सरपंचों को निर्देश दिया गया है कि सभी पोलिंग बूथों में सुदृढ़ व्यवस्था की जाए। तो क्या माहौल लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार आपको बनती दिखाई दे रही है केंद्र में? केंद्र में लोग मोदी जी की योजनाओं से, मोदी जी की सोच, मोदी जी के विचार से प्रभावित हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिले, एक बार मौका मिलना चाहिए, एक बार और मौका मिलना चाहिए। अच्छा, किन किन मुद्दों पर लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को लोग डबल इंजन की सरकार फिर से बनाने के लिए, महतारी वंदन योजना पर और छत्तीसगढ़ में जो साय सरकार है उनकी योजनाओं पर वोट देंगे। अच्छा, जैसे अभी हम आपके गांव आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे काफी सारे भारतीय जनता पार्टी के जो है झंडे लगे हुए थे, साथ ही यहाँ पे भगवा रंग भी बहुत ज्यादा लहरा रहा था आपके गांव में जी। क्या आपके गांव में हिंदुत्व तो मुद्दा है अब की बात? जनरली एक हिंदू के लिए राम मंदिर आस्था का विषय है और पूरे प्रदेश में हिंदुत्व तो एक मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर सिमट जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक विपक्ष होने के नाते वो कह रहे होंगे कि 150 में निपट जाएगी, लेकिन पिछले दो चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ उनके कहने के हिसाब से, और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 400 के पास जाएगी? 400 पार मेरे हिसाब से 370 से ऊपर, 400 से कुछ नीचे। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? मेरे को लग रहा है, मैं पार्टी के ओर से थोड़ा अलग। अच्छा, अभी जैसे कि पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं, 102 सीटों पर वोटिंग हुई जी, उस पर आपको क्या लगता है, बीजेपी भारी दिखाई दे रही है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? मुझे लगता है सर इसमें लगभग 50-50 प्रतिशत का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि साउथ इंडिया की जो सीटें हैं जहां बीजेपी पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, उन सीटों पर मुझे इंडिया गठबंधन आगे लगता है, और जो हिंदू बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है, पश्चिम बंगाल जहां कुछ सुधार हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें, महासमुंद लोकसभा से रूप कुमार चौधरी जी को विधायक बनाया गया है जी, इसके पहले वो लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है जी, इसके पहले वो बसना की विधायक रह चुकी हैं जी, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या वो अगर लोकसभा से चुनकर आती है तो क्षेत्र में विकास कर पाएंगी? जी, जैसा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे सरायपाली बसना क्षेत्र को सांसद का प्रत्याशी किसी भी पार्टी के द्वारा दिया गया है, तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का विकास करने में वो सफल होंगी और मुझे लगता है उनके जीतने पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा नाम पद्मलोचन पटेल। कौन सा गांव है ये? ये दलदली, ग्राम पंचायत दलदली। लगभग लगभग कितने वोटर होंगे यहाँ? यहाँ लगभग लगभग 650 से 700 के बीच में। तो यहाँ पे कितने तारीख को मतदान होने वाले हैं? 26 अप्रैल 26 अप्रैल को मतदान होने वाला। तो मतदान की तैयारी कैसे चल रही है? अभी तो ठीक ठाक है, जो भी सरकार की योजना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन लोगों को सौंपे गया है, मतलब पर्ची वर्ची देने की बात है, वो दे रहे हैं सब घर घर जाके। अच्छा, तो क्या माहौल है आपके गांव में, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आपको केंद्र में बनती दिखाई दे रही है? तो माहौल तो अभी केंद्र में अलग बात है, और वह भी हम अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा अपने एरिया के जो चनाक सेक्टर है वो इस एरिया में कांग्रेस का ही लीड होगा बोलकर अपने को पूरा उम्मीद है। अच्छा, चनाक क्षेत्र में आप बोल रहे हैं कांग्रेस का लीड होगा? हाँ, नो सेक्टर, नो पोलिंग में। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का लीड होगा? क्या है कि भूपेश बघेल का जो वर्तमान में जो उसका वादा और उसका निभाना अच्छा लगा, और कर्ज माफ हुआ, जो किसानों का अभी धान का जो समर्थन मूल्य उसी के हिसाब से आगे आज 3100 रुपया मिल रहा है किसानों को, तो उसी के हिसाब से मिल रहा है।
अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो दोबारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों चुन के नहीं आई, क्यों लोगों ने दोबारा बीजेपी को चुना, क्या वजह थी? ये तो वजह समझ में नहीं आया, लेकिन हर राज्य और मतलब राज्य में हर मतलब विधानसभा में जाने से पूरा निष्पक्ष पता चलता है कि जनता से कि कांग्रेस को ही वोट दिए, और क्या हुआ है ईवीएम में गलती हुआ कि क्या हुआ ये पता नहीं, हम लोगों को इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ना बनते तक पब्लिक की जानकारी के हिसाब से ना पूरा पूरा कांग्रेस को ही वोट दिए थे ऐसे लगा हम लोगों को। अच्छा, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, क्या लगता है क्षेत्र की जनता किसे बतौर प्रधानमंत्री चुनना चाहती है? देखिए, क्षेत्र में तो अब अपने अपने का अपने अपने सोच है, कोई मोदी को पसंद करते हैं तो कोई राहुल गांधी का, अभी वर्तमान में उसका जो घोषणा पत्र है उसी को देखते हुए राहुल गांधी को हमारे सेक्टर चनाट में पूरा 9 पोलिंग के मैं बता रहा हूँ अच्छा संदेश जा रहा है कांग्रेस के लिए। अच्छा, जैसे अभी आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस तरह तरह की योजना ला रही है, किन किन मुद्दों पर अभी वोट मांगे जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा? कांग्रेस की सबसे पहले तो महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए 1,00,000 रुपया सालाना किया है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है महिलाओं और मतलब जनताओं में, और 400 रुपया उनका पेमेंट रोजी का रोजी में बढ़ाव किया गया है मनरेगा में, और सर्वप्रथम युवा बेरोजगार के लिए आज के डेट में सबसे परेशानी है वो चीज़, आज युवा के लिए 30,00,000 सालाना नौकरी के लिए बात किए हैं, ये उनके जो घोषणा पत्र में है ये चीज़ सब लागू है, इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272 सीटों का है, कांग्रेस 272 सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो आप क्या सोच के बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता पे आ जाती तो इन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा? क्या जो अन्य पार्टी है वो इन सब मुद्दों को जो है पूरा होने देगी? देखिए, अब NDA में जुड़े हैं सब, इसलिए हम लोगों को पूरा लग रहा है कि ये लोग अच्छा करेंगे, कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर NDA हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, जो भी 8-10 पार्टी जो भी हुए हैं, इंडिया गठबंधन हुए हैं, तो मिलजुल कर होकर ये बनाएंगे, उम्मीद है हम लोगों को। वही भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि उसको अगर संविधान में अगर कुछ बदलाव करना है तो उसको कम से कम 400 सीट चाहिए, तो क्या लगता है आपको 200 सीट से भी अगर कम में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अगर वो जीत भी जाती है तो क्या वो 1,00,000 रुपए प्रति महिलाओं को देने में सक्षम है? क्या देश के पास इतना बजट है? बजट तो ये तो ऐसी नहीं है, लेकिन बजट जब बैठने से जो प्रधानमंत्री बैठने से उसके बाद बजट खुद में खुद निकलना उनका कर्तव्य होता है कि कहीं से कहीं जुगाड़ ये अरेंजमेंट करना होता है, इसी हिसाब से देना पड़ता है उन लोगों को। तो क्या लगता है आपको, अगर महिलाओं को 1,00,000 रुपए सालाना देंगे तो जैसे अन्य जो योजनाएं हैं जैसे किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है लोगों को, तो इन सब चीजों में क्या कटौती हो सकती है? नहीं, ऐसी तो नहीं है, कटौती तो नहीं होगा। तो क्यों सब इन सारी योजनाओं को उसके साथ नहीं रखा गया है, क्यों नहीं नल जल इन सारी योजनाओं को कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया है इसके अलावा? अब उतना मेरे को उतना जानकारी नहीं है अब। अच्छा, इसके अलावा जैसे बीजेपी बोल रहे हैं कि इस बार ज्यादातर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है, क्या हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो गलत है, हिंदुत्व तो अपने आप वो बहुत वर्षों से हिंदू है तो हिंदू छाए, वो इसमें कोई अंतर नहीं है अपने उसमें, जो भी राम है तो राम अपने दिल से है राम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा, लगातार आरोप लग रहा है राहुल गांधी पर कि उसने राम मंदिर जब वहाँ पे उद्घाटन हुआ तो वहाँ का निमंत्रण ठुकरा दिया, जिसके वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, राहुल गांधी हैं और पूरा युवाओं के लिए और जनताओं के लिए माँ बहन के लिए पूरा उम्मीद खड़े कर चल रहे हैं पूरा भारत में। श्याम कुमार पटेल। कौन से गाँव से है? गढ़गांव। क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको आपके गांव में, क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे यहां के लोग? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको इस बार 400 पार होगा?
हाँ हो जाएगा 370-380 सीट के करीब करीब। अच्छा क्या क्या मुद्दे हैं भाजपा के जिसको देख के लोग उन्हें वोट देना पसंद करेंगे? क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? नरेंद्र मोदी के वो जित का कार्यक्रम योजना है, योजना कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। इसके अलावा जो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने महतारी वंदन के नाम पे महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया था, क्या उस योजना का लाभ गांव की महिलाओं को मिलता हुआ दिख रहा है? हाँ मिल रहा है सबको। तो उस योजना के बदले कांग्रेस अभी वादा की है, कांग्रेस ने वादा किया है कि वो महिलाओं को 8,000 रुपए प्रति माह यानी कि लगभग लगभग 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष देने का वादा कर रही है। क्या लगता है आपको अगर 1,00,000 रुपए कांग्रेस देने का वादा कर रही है तो बीजेपी की सीटों में कुछ कमी आती आपको दिखाई दे रही है? उसका पैसा कहाँ दे सकेगा वो? अच्छा आपको भरोसा ही नहीं है कि इतने पैसे कांग्रेस की सरकार दे सकती है? हाँ भरोसा नहीं है।